हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं ये नौनी की साग। और ये हमारे बिहार साइड में बहुत ही फेमस रेसिपी है, खासकर जब जितिया का व्रत आता है ना, तब एक दिन पहले मतलब नहाए खाए के दिन और पारन के दिन ये ज़रूर से ज़रूर बनाया जाता है। बड़े बुजुर्ग का कहना है कि इससे बच्चे का दिमाग बहुत ही तेज़ होता है और रोग हमेशा के लिए दूर रहता है। इसे बनाना बेहद ही आसान है, इसे धोने में काटने में थोड़ा वक्त लगता है, जो साफ़ सफाई करने में, वरना इसे बनाना बहुत आसान है। आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है। कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों तेल ऐड करेंगे। उसके बाद सरसों तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो 1 छोटी चम्मच इसमें हम जीरा ऐड कर दिए हैं। जीरा ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज कट के रखा है, लहसुन कट के रखा है, अदरक को दरदरा कूट लिया है और मिर्च 2 से 3 बड़े साइज का लंबा लंबा काट लिया है। इसे हाई फ्लेम पे 50% तक पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्का सा नमक ऐड करके देखिए पक चुका है। अब साथ में इसे हम नौनी का साग ऐड कर देंगे, जो कि हम अच्छी तरीके से वॉश करके धो के काट लिए थे। इसे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मिट्टी वगैरह सा रहता है ना जड़ वाला, तो थोड़ा सा धोने में टाइम लगता है। इसे हाई फ्लेम पे पकने के लिए 2 मिनट के लिए छोड़े हैं। देखिए इस तरीके से हमारा लुक आ रहा है। उसके बाद हम इसमें कुछ इंस्टेंट मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, नमक सही से डालिएगा वरना मतलब ज़्यादा हो जाता है क्योंकि साग है तो गलता है ना इसलिए। और साथ में ही यहाँ पे हम गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच ऐड कर देंगे। ये दोस्तों बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है, इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। जैसे मैं बनाई हूँ, 1 की जगह 4 रोटी खा जाइएगा। और भर के यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच हमने यहाँ पे आमचूर पाउडर ऐड किया है क्योंकि चटपटा बनाना है ना इसे। बस 5 मिनट के लिए ढक के इसे पका देना है, उसके बाद कम फ्लेम पे। और देखिए हमारा साग एकदम से रेडी हो गया है, झटपट है ना दोस्तों, कमाल की चीज़। एक बार बना के ट्राई करिएगा। अच्छी लगी हो तो रेसिपी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अब तो देखिए अब इसे हम फटाफट आपको निकाल के दिखाते हैं एक प्लेट में। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है उभर के, कलर क्या, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। इसे धोने काटने में जो भी आपको टाइम लग जाए, क्योंकि जड़ का रहता है ना तो मिट्टी विट्टी लगा हुआ रहता है, तो इस वजह से देखिए कितना सुंदर टेस्टी लग रहा है देखने में ही। और मुँह से तो पानी आ रहा है, मतलब इतना टेस्टी बनता है ना, बता नहीं सकते आपको। ये तो जंगली साग है, कोई जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं बनाया होगा तब भी कमेंट करिएगा कि मैंने कैसी बनाई है इस साग की रेसिपी। देखिए कितना यम्मी सा लुक आया है। तो आपको कैसी लगी आज की रेसिपी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।